स्वागत है मेरा YouTube चैनल कार मैकेनिक में। दोस्त, ये वाला जो गाड़ी देख रहे हैं आप लोग, ये अशोक लेलैंड का BS6 गाड़ी है। इसमें देखिए जो प्रॉब्लम है, नॉक्स और EDC का जो लाइट है दोनों ही एक साथ ही जल रहा है। और ड्राइवर का कहना ये है गाड़ी का माइलेज सही नहीं दे रहा है, तो वही देखेंगे गाड़ी पे क्या प्रॉब्लम है। पहले हम लोग कनेक्टिंग टूल्स लगा के देखेंगे। ये देखिए, कनेक्टिंग टूल्स लगाने के बाद जो प्रॉब्लम आया है, और डीनॉक्स सिस्टम एरर और आपका जो नॉक्स आउट सेंसर है उसका एक प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे नॉक्स सेंसर को। चेक करना है अभी। ये देखिए नॉक्स सेंसर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रॉपरली फिटेड है। ठीक है, उसका गैस भी लीक करेगा तो भी वो नॉक्स का जो कोड एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये वाला है इसका मॉड्यूल है। ठीक है, और ये वाला जो मॉड्यूल है वो ठीक से नहीं लगा हुआ रहता है तो भी ये वाला कोड दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अभी खोल रहे हैं ये वाला नॉक्स सेंसर का कवलर। ठीक है, खोलने के बाद देखेंगे, थोड़ा सा वोल्टेज भी चेक करेंगे, वोल्टेज ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर से देखेंगे अभी वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए उसका जो वोल्टेज है सही आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, और कैन हाई कैन लो कितना आ रहा है वो भी देखेंगे, वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नॉक सेंसर का जो कवलर है वो थोड़ा सा स्प्रे मार के साफ करके लगा के देखेंगे। ठीक है, और ये देखिए प्रॉपरली फिट होना चाहिए कवलर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कनेक्टिंग टूल से चेक करेंगे उसका जो रीडिंग है नॉक्स इन और आउट का, उसका रीडिंग ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही देखना होगा। ठीक है, तो कनेक्टिंग टूल से ही चेक करेंगे अभी। ठीक है, ये देखिए उसका जो रीडिंग है, देखिए इन और आउट का दोनों ही रीडिंग ठीक है आ रहा है। ठीक है, और रीडिंग स्टेबल भी दिख रहा है देखिए। ठीक है, मेरा जो नॉक्स सेंसर है वो तो सही है। उसके बाद वो जो कोड था वो एक्टिव है ना इनएक्टिव है वही देखेंगे। ये देखिए जो डी नॉक्स सिस्टम जो एरर था एक्टिव कोड, ये वाला इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, जो नॉक्स लाइट और EDC का लाइट जो चल रहा था वो भी नहीं है। देखिए गाड़ी स्टार्ट पे ही है, यहाँ पर देखिए मीटर पे कोई लाइट नहीं आ रहा है EDC का और नॉक्स का, मतलब हम लोग का जो गाड़ी है वो सही हो गया है। ठीक है।